सितम गर ये गुर्बत क्या करे। अब रोने का क्या फायदा भाभी, पहले लगामे खींच के रखनी चाहिए थी ना अपनी औलाद की। अब मेरे हुज़ैफ़ा को ही देख लें, कैसे दो की चार कर रहा है। अब हर कोई मेरे बेटे जैसा तो हो नहीं सकता। शेरवज़ मियाँ के ऑफिस में सीसीटीवी की फुटेज मिल गई, उसमें साफ जाहिर है कि सुफियान मियाँ ने हाथ पकड़कर खुद फायर किया। कोई है? मुझे लग रहा है मेरा जख्म बहुत खराब हो गया, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और डॉक्टर या नर्स जो भी चाहिए ना, अब तो तुम्हें जेल में ही मिलेगा। क्या जेल? हाँ जेल, नाम नहीं सुना क्या? लेकिन अभी तो फैसला नहीं हुआ। और अभी तुम्हें कोर्ट से शिफ्ट करने का ऑर्डर आया हुआ है हमारे पास, और ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था ना। और तुमने सोचा कि तुम्हें यहाँ ससुराली प्रोटोकॉल मिलेगा। आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना। शेरोज़, आपने जो देखा या सुना वो सब भूल जाएं। भूल ही तो नहीं पा रहा उसने। जिस शख्स को आपने बहुत आला, बहुत ऊंचा मकाम दिया हो ना अपनी जिंदगी में, जब उसका कद इतना छोटा हो जाए, कितनी हैसियत महसूस होती है मैं बता नहीं सकता। तुम्हें पता है मेरी अम्मी मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे लगता था कि अम्मी से ज्यादा अच्छा तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। आज जब ये राज खुला मेरे सामने, सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी तुमसे, आंटी से इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं। अक्सर हम हसद के हाथों मजबूर होकर अपना मुकाम गवा देते हैं। आंटी से भी यही गलती हुई है, लेकिन वो आपकी माँ है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन उसना उनका ये रूप उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहते हैं ना कि मर्द रोता नहीं है। आज जब माँ का ये बोर्ड टूटा है ना मेरे सामने, मेरे दिल कर रहा है मैं सब कुछ चीख चीख के बताऊं कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंची। प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। आंटी आपको बहुत चाहती हैं। जिस तरह आंटी आपके लिए सब कुछ है, उसी तरह आंटी के लिए भी आप कुल कायनात हैं। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और माँ बाप हमेशा माफ कर देते हैं। क्या आप आंटी की ये गलती को माफ नहीं कर सकते? कितनी अच्छी योजना। आई विश के मैं मम्मी को बता सकता ये सब कुछ के तुम उनके बारे में कितनी पॉजिटिव हो। उनको पता लगता कि उनकी बहू उनके बारे में कितना अच्छा सोचती। काश
खाना खा लीजिए बेगम साहिबा, आपने रात से कुछ नहीं खाया है। भूख नहीं है मुझे, शहरोज को बुलाएं, बात करनी है मुझे उनसे। आपके कहने पर मैं कितनी बार उन्हें बुलाने जा चुकी हूँ, वो आ जाएंगे, आप चलकर खाना खा लीजिए। मैं बैठी हूँ यहाँ शहरोज के इंतजार में, जब तक वो नहीं आते मैं शहरोज से पहले बात करूंगी फिर खा लूंगी। आप जाएं यहाँ से ज़ायरा, जाएं। थोड़ा लेट हो जाऊंगा, ऑफिस में कुछ खा लीजिएगा, आपने नाश्ता भी नहीं। ऑफिस जाएगा शहरोज, यहाँ आए, मुझे बात करनी है आपसे। शहरोज, 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 पापा ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, मुझे उनकी बहुत फिक्र है, उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। ये भी समझ में नहीं आ रहा, ना शहरोज मियां सुनने को तैयार है ना उसकी वालदा समझने को तैयार है। वैसे आप समझाएं शहरोज को, कहीं खुदा ना खास्ता आप कुछ हुआ तो उसकी खफगी नाराजगी पछतावे में ना बदल जाए। मैं क्या करूं, ये समझ नहीं आ रहा कि ये मसला कैसे हल हो। बड़े साहब वो बड़ी बेगम साहब की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर साहब पेशेंट कैसे? जिस कंडीशन में आपकी पेशेंट है उसके लिए बर वक्त गिजा और दवा बहुत जरूरी है, थोड़ी सी गफलत भी जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। आप लोग दुआ करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हालत संभल जाए। हम मिल सकते हैं? नहीं फिलहाल नहीं, जब तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन है आपको इंतजार करना। शुक्रिया। लेकिन मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? अम्मी को आंटी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपके एक जरा सी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और देखे आपकी नाराजगी कहाँ ले आई। प्लीज माफ कर दें उन्हें, माफ कर दें उन्हें, उनसे उनसे गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दें ताकि उन्हें भी सुकून मिल जाए और आपको भी। कुछ सोचें, अगर आंटी को कुछ हो गया तो क्या कर लेंगे इस नाराजगी का? Thank you.
कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। आपको पता ना, आप मेरे लिए सब कुछ है। मेरा हर रिश्ता आपसे शुरू होता है। मेरी माँ है आप, मेरी आइडियल, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप जब मुझसे नाराज होते हो तो मुझे सांस भी नहीं आती। मैंने बचपन से आज तक कोई दोस्त नहीं बनाया। हर चीज आपसे शेयर की है मैंने। मुझे लगता था कि आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। मुझे कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते। मैं लोगों से लड़ता था आपके लिए। मैं कहता था कि मेरी माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मी, अब जब मेरा यकीन टूटा मैं लोगों से नजरें कैसे मिलाऊं? हमें बताएं तो सही, आपने क्यों किया है सब कुछ? शहरोज, मुझे आपको पता है, जब किसी माँ को ये एहसास होता है कि उसके बच्चे की जिंदगी खतरे में है, कोई खतरा उसकी सबसे प्यारी चीज की तरफ बढ़ रहा है, तो वो क्या करती है? वो उस खतरे के सामने डट के खड़ी हो जाती है, चाहे वो मेरी तरह की अपाहिज माई क्यों ना हो बेटे। वही किया था मैंने, बस यही गलती थी मेरी। जिस दिन पहली रोज सुफियान ने आप पे कातिलाना हमला करवाया था, एक माँ की छठी इसको पता चल गया था कि ये काम सुफियान के अलावा किसी का नहीं है। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, आप सबको मनाती रही उसे जेल से बाहर मत आने दे, वो बाहर आके फिर कुछ करेगा। That was my mother instinct telling me that. मेरे बच्चे की जान को खतरा था। एक दफा अल्लाह ने जिंदगी दी थी, उसे दूसरी दफा कैसे मौत के मुंह में जाने देती? नहीं सुनी आप में से किसी ने? नहीं सुनी उसे? वो नहीं रुका ना, मैं बेबसी से देखती रही। मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं उन दो लोगों को आपकी जिंदगी से हटा देती बेटे, जिनकी वजह से वो आपके पीछे आता था। आपको पता है ना, मशरूम सूप पी के मेरी कैसी हालत होती है, जानते हो ना? है ना, मैंने आपकी तकलीफ दूसरी दफा देखी अभी, जब आपको पता चला मैंने जानते पूछते पिया था बेटे। मुझे पता था मेरे साथ क्या होगा, मेरी सांस रुक जाएगी, मैं सांस लेने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरे पास सुफियान को आपकी जिंदगी से दूर करने का और कोई तरीका नहीं था। ये सोचे बगैर कि दो टांगों के अलावा मेरी बाजू भी खत्म हो सकती, मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे शहरोज को कुछ हो जाए। सॉरी बेटे, I'm sorry, baby. I wanted to tell you all of this. I wanted to say sorry to you for so long. Sorry करने की ज़रूरत नहीं है। I just wanted to say मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बेटे। Please मुझे कहने दो। अच्छा अम्मी, आप ज़्यादा ना बोलें, तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा शहरोज। आप मुझसे वादा करें, आपको कुछ नहीं होगा कभी भी, मेरी जिंदगी में आपको कुछ नहीं होगा।
मैं मर जाऊंगी अगर आपको कुछ ऐसी बातें कह रही है। माँ बाप औलाद से माफी नहीं मांगा करते। I'm sorry, मुझे पता है मैं वो नहीं मान नहीं रही। हाँ तो माँ ही होती है ना, गलतियां तो इंसान से हो जाती। अच्छा अमीर, सुफियान जेल चला गया, रोशना आंटी बाप साहब बाहर है, मैं आपके साथ। आपने मुझे माफ कर दिया, उस चीज को ये खत्म कर देते। आपा जूस लेंगे आप? थोड़ा सा पी लें। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं? अभी अभी सोई हैं, नींद की दवा ली थी। तो अब घर चली जाती ना, खामखा बेआराम क्यों हो रही? सुबह आप डिस्चार्ज हो जाएंगी तो फिर साथ ही जाऊंगी। आप भी बहुत जिद्दी हैं, नहीं मांगी तो। खुशकिस्मत है आपको दोनों बीवी एक जैसी मिली हैं। जी ये तो है। क्या 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 बात है, बोल दीजिए जो भी बोलना है। आप और शहरोज के दरमियान में ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदगी है मुझे। कैसी शर्मिंदगी? वजह तो मैं ही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। सोचती हूँ शायद अगर मैं आपकी जिंदगी में आती ही ना तो ये हालात ना होते, शहरोज अपनी माँ से नाराज ना होता। आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं मैंने सब कुछ फर्ज कर लिया, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ऐसा नहीं है, कोई भी औरत आसानी से अपना शौहर शेयर नहीं कर सकती। उन्होंने तो बहुत आला जर्फी का सबूत दिया है, फिर भी सोचें वो इंसान है, फरिश्ता तो नहीं। अब आप बात औरतों पे ले आई हैं तो मैं क्या कह सकता। आपने बहुत बड़े पन का सबूत दिया है, वो खुद मुझे आपकी जिंदगी में लेकर आई। मैं तो इस बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं थी कि सुफियान ने शहरोज पर कातिलाना हमला किया है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। हम इस बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन जब सुफियान ने
कुछ ना को हुआ, मेरा पस नहीं चल रहा था उसको चांद से मार तू, फिर मुझे आप आगे कही भी हर बात समझ आने लगी, उनके खदशे हकीकत का रूप धारते हुए नजर आए। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने उस औरत पर कैसे कैसे शक किया, उसको कैसे गलत समझा। बताइए मुझे, मैं उनसे कैसे माफी मांगू, कैसे एक्सक्यूज करूं, आप बताइए मुझे। जिस सीमा को मैं जानता हूं दिल की बहुत बड़ी, यकीन में माफ कर दे, फिक्र नहीं करो। जानती हूँ मैं, मैंने आपको बताना था कि सुफियान को 7 साल की कैद हो गई है। अच्छा, मुजरिम को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि फैसला इतनी जल्दी हो गया। आपको सुफियान की सजा का कोई दुख तो नहीं है ना सना? सितम गर ये गुर्बत क्या करे। मेरे सुफियान के साथ क्या हो गया, इतनी बड़ी आजमाइश क्यों आ गई? शुक्र करें भाभी, सिर्फ 7 साल की सजा हुई है और ये भी इंशाल्लाह देखते देखते जल्दी गुजर जाएगी। हम सब है ना आपके पास, उसके बगैर 7 दिन नहीं गुजार सकती मैं। 7 साल कैसे गुजर? माँ बाप अगर अपने बच्चों के दिल तक, उनकी सोच तक ना पहुंच सके तो फिर यही होता है। ये सब तुम्हारी वजह से, ना ढील देती ना ये सब होता। अब एक दूसरे को इल्जाम देने से क्या फायदा भाई साहब, लेकिन सुफियान के किए ने हमें भी एक सबक सिखा दिया है कि औलाद की इस्लाह जो है वो हर उम्र में जरूरी है। अल्लाह हम सबकी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना के रखे। आमीन आमीन। मेरा बेटा तो मेरा सहारा ही था ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बाजू काट दिए किसी ने। आपने खुद को अकेला कैसे समझ लिया? मैं हूं ना आपके साथ, जब तक सुफियान नहीं है मजबूरी है, मुजफ्फर संभालेगा, कोशिश करेगा कि अपनी कारोबारी जिम्मेदारियां जो निभाएंगे, और मैं भी आपके साथ हूँ, अलग नहीं हूँ आपसे। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे ताईजान, आप फिक्र ना करें ताईजान, मैं हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सुफियान की कमी महसूस ना हो। और वैसे भी अभी सजा सुनाई गई है, अपील का हक है हमारे पास, और ये ना हुआ तो हम फुप्पू और शहरोज से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। हुज़ैफ़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अब हिम्मत नहीं है उनका सामना करने। भाई साहब, ज़ैनब आप लोगों की बहन है और उसका दिल बहुत नरम है, मैं जानती हूँ वो जरूर माफ कर देगी। मामा बिल्कुल ठीक कह रही है ताईजान, जब गलती हमारे सुफियान की है तो हम सबको झुकने में कैसी शर्म। बिल्कुल,
हमेशा सलामत रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। ताईजान, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, आप किसी चीज की स्ट्रेस मत लें। लव सर, थैंक यू सो मच। वो अम्मी, मैंने आपको बताना था कि सुफियान को 7 साल की कैद हो गई है। अच्छा, मुजरिम को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि फैसला इतनी जल्दी हो गया। आपको सुफियान की सजा का कोई दुख तो नहीं है ना सर? नहीं आप, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, बल्कि इत्मीनान है कि हकीकत खुलकर सामने आ गई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ज़ैनब, आपने वहाब से पूछा था कि क्या आपा मुझे माफ कर पाएंगी। हॉस्पिटल के कमरे में आप दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मैंने सुन ली थी। मुझे अच्छा लगा जब आपने कहा कि जब सुफियान ने उशना पे बुरी नजर डाली तो आपका बस नहीं चल रहा था कि आप उसे जान से मार दें। मुझे अच्छा लगा कि उस वक्त आपको मेरे जज्बात समझ में आए। मैं अपने दिल से आपको कह रही हूं कि मैंने आपको माफ किया, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप भी मुझे माफ कर देंगे। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि हर खुशी में, हर गम में हमारे लिए सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे अहम ये घर और इस घर के लोग हों। कोई पराया नहीं, कोई बाहर का नहीं, हमेशा। आप प्लीज, आप ऐसी बातें ना करें। माफी तो शायद मुझे मांगनी चाहिए। मैंने शायद आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। शायद मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरे तरीके से अदा नहीं कर सकी। मैंने आपको सिर्फ आपा नहीं कहा, आपको आपा माना भी है, समझा भी है। और आपका रुतबा तो हर लिहाज से मुझसे बहुत ऊंचा है, बड़ा है, हैसियत में, जर्फ में, हर चीज में। आपने तो मुझे मेरी खुद एतमादी वापस की है, मुझे एतबार और भरोसा करना सिखाया है। वो एतबार और भरोसा जो मैं खो चुकी थी, वो एतबार और भरोसा जो मेरे अपनों ने, मेरे अपने सगों ने मुझसे छीन लिया था। आपने तो गैर होते हुए अपना घर, अपने घर वाले, ये सब कुछ जो आपने अपने खून से सींचा है मेरे हवाले कर दी। बिल्कुल गैर होते हुए इससे बड़ी क्या बात हो सकती। मेरी सिर्फ आपसे ये इल्तजा है कि मेरी नीयत पे शक ना करें, मुझे दुश्मन ना समझे। कोताहियां जरूर हुई होंगी, लेकिन मेरी नीयत कभी कभी भी खराब नहीं थी। मुझे मेरी छोटी बहन समझकर माफ कर दें। ठीक है, और आज के बाद हमारे दरमियान गुजरी हुई किसी बुरी बात का कभी भी कोई जिक्र नहीं होगा। बिल्कुल, और सिर्फ अच्छी यादों का जिक्र होगा और किसी भी बुरी बात का जिक्र नहीं होगा। बिल्कुल आएगी। ऐसी खुशी में फिर हम चाय पीते हैं, बल्कि आप तो पी रही हैं। 3 कप चाय, सायरा 3 कप चाय लेके आना। सबको चाय पिलाओ सायरा। आप पियेंगे चाय? जी। जो तुमने मामा बाबा के सामने मीठी मीठी बातें की, क्या वाकई दिल से की थी?
क्यों, तुम्हें कोई शक है? बस ऐसे ही पूछ रही थी। सुफियान की हरकतों की वजह से जो हमारी फैमिली सफर कर रही है, स्पेशली ताया जान, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली भी सफर करे मेरी वजह से। तुम सुफियान के लिए उदास हो, सदफ मुझसे जो हो सकेगा सुफियान के लिए वो मैं करूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। तुम पागल हो क्या, रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि हम सबसे कितनी बड़ी गलती हुई है और इस गलती की सजा भाई भुगत रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है सदफ कि हम सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और हम सब उस पर काम कर रहे हैं। तुम चुप हो जाओ, इंशाल्लाह सुफियान वापस आ जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे एक गलती हम दोनों भी कर रहे हैं। कौन सी गलती? हमारे बीच मौजूद रिश्ते को ना समझने की गलती। क्या हम उस पल में वापस नहीं जी सकते जब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? मोहब्बत मैंने की थी, तुमसे फ्लर्ट करते थे। अब मान जो रहा हूँ, मोहब्बत हो गई तुमसे। और वो टीना, शीला, सीमा, उनका क्या? अब फिर किसी को नींद नहीं आ रही होगी। रिमाइंडर है सदफ, एक क्लाइंट का रिमाइंडर है। और वो जो लड़की, वो क्यों तुम्हारे कॉन्टेक्ट में अब तक? अरे वो लड़की, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी थी, मैं तो उसे जान छुड़वा रहा था, बल्कि तुमने काम आसान कर दिया। ब्लॉक कर। ये लो, तुम ब्लॉक करो। बहुत ही नाम है, किस किस को करूं? ये देखो, और ये वाला भी। माफ कर दो मेरे सुफियान को, माफ कर दो बेटा। एक माँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी, माफ कर दो मेरे बेटे को। बेटे को मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ऐसी बातें कर रही हैं आप, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं, प्लीज ऐसे ना करें। तो बख्श दो मेरे बेटे की जिंदगी, माफ कर दो उसको। लेकिन मैं माफ नहीं कर सकती। आप भूल गई हैं, आपके बेटे ने मेरे बच्चे पे कातिलाना हमला करवाया था। ऐसे कैसे भूल गई इतनी जल्दी आप? कारोबार में नुकसान पहुंचाया इन्हें, यहां तक कि जेल गए हैं सुफियान की वजह से। शहरोज, आपको ऐसी बात करते हुए एक नहीं 100 मर्तबा सोचना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, नहीं बच्ची, मैं समझ गई। शहरोज आपका एक ही बेटा है ना? मेरा भी एक ही बेटा है। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती है ना, माँ है आप। एक माँ के जज्बात को समझ सकती है। मैं मानती हूँ मेरे बेटे ने बहुत गलतियां की है, गलतियां हमसे भी हुई है, लेकिन मैं आपके आगे अपनी झोली में ला के अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ आपसे। माफ करते हैं एक माँ को इस तरह। मेरी ममता को खाली हाथ मत लौटाइए। नहीं मां जी, प्लीज माफ कीजिए, ना कीजिए, प्लीज प्लीज ऐसे ना करें। देखिए बहन, बात दरअसल ये है कि सुफियान को उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला मेरा बेटा शहरोज करेगा। मेरा तो ख्याल है कि एक बार जैनब से भी पूछे। आपकी वजह से जैनब ने और उष्णा ने कितनी तकलीफ उठाई है वो भी भूल गई। आप पूछें जरा इनसे, क्या ये माफ करेंगी आपको? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमसे कहीं ज्यादा तकलीफ आपने उष्णा को और आंटी को पहुंचाई है। अगर इन दोनों को एतराज नहीं है, ये दोनों माफ कर सकते हैं, तो हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। आंटी आप बताएं, क्या आप माफ कर सकती हैं? जनाब,
ज़ैनब, मेरा सुफियान बहुत तकलीफ में, बहुत अजियत में। अगर उसे प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिली तो डॉक्टर कहते उसकी टांग काटनी पड़ेगी। मेरे बेटे को माफ कर दो ज़ैनब, मेरी झोली में मेरे बेटे की जिंदगी डाल दो। तुम तो बहुत रहमदिल हो ना, माफ कर दो ज़ैनब। मैं मानती हूँ हमने बहुत ज्यादतियाँ की है तुम्हारे साथ, आप सबके साथ, लेकिन आज मैं माफी मांगती हूँ। मैं अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ तुमसे। भाभी, मैं सुफियान को माफ कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि सुफियान हमसे कोई राबता ना रखे, हमारी जिंदगियों में दखल ना दे, हम में से किसी के साथ कोई राबता नहीं रखेगा, हम में से किसी की जिंदगी में कोई मदाखलत नहीं करेगा, और अगर जरा सा भी कुछ भी इसके बरक्स हुआ तो फिर हमें हक होगा कि हम उसके खिलाफ कोई भी इंतहाई कदम उठाएं। ये याद रखिएगा। तो फिक्र मत करो, तो फिक्र मत करो, सुफियान, सुफियान कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, किसी को भी नहीं दिखाएगा, बस उसकी जिंदगी बख्श दो, मैं वादा करती हूँ, तुम उसे माफ कर दो, वो कभी नहीं आएगा, वो कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। भाभी, कोई बहन ये नहीं चाहती कि उसके भाइयों का सर शर्मिंदगी से किसी के भी आगे झुके, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। ये मान रखना होगा, ये वादा करना होगा कि सुफियान का साया तक हम में से किसी के करीब से भी नहीं गुजरेगा। मैं अपने भाइयों के सदके सुफियान को माफ करती हूं। मैं वैसे तो माफी हर हाल में माफी बेहतर होती है, मगर फिर भी मैं ये आखिरी फैसला नहीं माफ पर छोड़ता, आप डिसाइड करें। से धोखेबाज और मकार इंसान के साथ मोहब्बत का मैं सोच भी नहीं सकती, और मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ मुझे आपसे सिर्फ नफरत है। जल्दी कर लो उष्णा, प्लीज काम आ गई, वो लोग आने वाले होंगे। हाँ। या मुझे बलून्स देना जल्दी से। जल्दी जल्दी सारे काम हो गए हैं ना। एक और सुन लिया अम्मी क्या कह रही हैं? मैंने तो सुन लिया, आप भी सुन लें। सायरा जल्दी से केक लेकर आओ, बेक हो गया होगा, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, इधर लाओ। आ गए? ओके, नाउ नाउ। कोई अच्छी रिपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। 1 2 3 Happy anniversary. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, Zana. मुझे तो याद ही नहीं था। Happy anniversary, Mama. Thank you so much. Happy anniversary to you.
Happy anniversary. Dad. I love you, my son. I really do. Talk to you, sir. God bless you. Bless you. This will be King of Asia. Wow. Maybe live happily ever. Ye koi pool hai jo. जो दे